नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 3 अगस्त 2020, क्या कहते हैं आपके सितारे, जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:48 पर सुबह, सूर्यास्त होगा 7:06 शाम को। चंद्र राशि है मकर, तिथि है शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, अभिजीत मुहूर्त है 12 बजे से लेकर 12:53 तक, योग है प्रीति, वार है सोमवार और राहु काल का समय होगा 7:28 AM से लेकर 9:07 AM तक। ये था आज सुबह का संचित पांचांग। आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार यह समय कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 मिनट का फर्क हो सकता है। आज रक्षाबंधन का पर्व है, आप सबको मुबारकबाद। जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, शुभकामनाएं। बहनें भाइयों की लंबी आयु, उनकी तरक्की, उनकी प्रगति के लिए राखी बांधती हैं, बंधन में बांध देती हैं ताकि उनकी रक्षा हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। भाई गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बहनों की हमेशा रक्षा करने का वचन देते हैं। सुंदर सा, प्यारा सा ये एक त्यौहार है जहाँ दिल से दिल मिलते हैं और अनेक जो कटुता होती है, कुछ जो मन में द्वेष होता है वो भी दूर हो जाता है और प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है। रिश्तों में प्यार मोहब्बत फिर से पनप जाती है। तो खिलाइए एक दूसरे को मिठाई और बहनें भाइयों को राखी बांधें और मनाएं आप लोग ये लोग पर्व, मेरी शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं राशिफल की। ये जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी और जिनको चंद्र राशि लग्न राशि नहीं पता है वो नाम राशि से देखकर भी लाभ उठा सकते हैं। बात करेंगे अब मिथुन राशि की। आपके चेहरे पर आज उदासी होगी, चुस्ती फुर्ती आपके चेहरे से, वो चमक, वो हंसी, वो चुलबुलापन आज थोड़ा सा गायब होगा। आपके काम में रुकावट आ सकती है, वाहन इत्यादि सही तरीके से चलाना होगा। जीवन साथी के साथ बहसबाजी हो सकती है, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, आपके शरीर के जो निचला हिस्सा है उसमें तकलीफ हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। अपनी भाषा को मर्यादित रखें नहीं तो तकलीफ हो सकती है। जल्दबाजी में कुछ करना नुकसानदायक हो सकता है। समय पैसा कमाने के लिए बना हुआ है लेकिन समझदारी से। समय अच्छा है लेकिन आपका बिगड़ा हुआ मूड, आपकी उदासी, आपके शरीर के अंदर एनर्जी का ना होना आपको सफलता से थोड़ा दूर करेगा, तो आपको इस पर विजय पानी है। हो सकता है कि आज आप जिस उम्मीद से मैदान में उतरे पैसा कमाने के लिए या सफलता पाने के लिए, आपकी उम्मीद पर आप स्वयं खरे ना उतरे, लेकिन अगर आपने संभल कर आज की पारी को खेला, ईश्वर का ध्यान रखते हुए अपनी मेहनत को बरकरार रखा, अपने आत्मविश्वास को बना के रखा, तो इतना जरूर कहता हूँ 0 पर आउट नहीं होंगे और नहीं 100 बनाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर जरूर बनाएंगे, यानी सफलता मिल जाएगी। जिनका दिमाग वाला आज बहुत काम है, जो बहुत बारीक काम करते हैं, उनके दिमाग में आज उलझन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, उनको आज सरदर्द हो सकता है, माइग्रेन है तो वो बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैसी भी परेशानी क्यों ना हो तैयार रहें, आपको पहले से पता है कि आज दिन उतना अच्छा नहीं तो डटकर सामना करना है। शिव बाबा भोलेनाथ का दिन है, आपको भगवान भोलेनाथ अपने आशीर्वाद से खुशियां देंगे, उनका स्मरण करिएगा। जीवन साथी का दिल जीतना होगा, सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, परिवार में तनाव ना हो इसके लिए ध्यान रखना है, विवादित मामलों से दूरी बना के रखनी है। इन सब तरीकों से आपको आज जूझना पड़ेगा तभी आप दिन को बेहतर बना पाएंगे या बना पाएंगी। इसके अलावा
आज आपको किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई उधार पैसा लेना देना नहीं करना है, किसी संघर्ष में नहीं पड़ना है, किसी की कही सुनी बातों में आकर पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी की बातों में आकर बहुत ज़्यादा होता ना कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, एंजॉय करने चलते हैं, वो सब नहीं करना है। घर पे रहना है, कम से कम वक्त बाहर बिताना है, उल्टा सीधा भोजन नहीं खाना है। महिलाएं जो घर पर काम कर रही हैं, अगर आज छुट्टी वाला दिन है तो संभल कर घर पे भी काम करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट घर के बाहर होते हैं, घर के अंदर भी हो सकते हैं। किचन में काम करते समय चाकू लग जाना, कहीं जल जाना, कुछ गिर जाना, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बड़े बुजुर्ग जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, संभल कर चलें, आज चोट लगने का खतरा बना हुआ है। मांसपेशियों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर या गलत पोस्चर में सोने की वजह से तकलीफ हो सकती है। कुल मिलाकर थोड़ी सावधानी के साथ आज के दिन को बिताना है। ईमानदारी से ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ें और किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन जिन लोगों ने सात मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लिया है, जिन जिन लोगों ने सात मुखी रुद्राक्ष आज धारण करना है, समझ लीजिए उनके जीवन में ये जो कष्ट आने वाले हैं, आज का दिन जो एक अशुभ दिन की तरीके की तरफ इशारा कर रहा है, आपको ये सात मुखी रुद्राक्ष उन अशुभ प्रभावों से निश्चित तौर पर बचाएगा और शुभ परिणाम देगा। इसका इतना असर है, इसको आप पहनने के वैसे तो कम से कम 7 से 10 दिन बाद इसका असर पूर्ण रूप से आना शुरू होता है, लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अपने गले में शिव का प्रिय रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नुकसान हो नहीं सकता, महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। वक्त ऐसे बुरे इससे बुरे आते जाएंगे, कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा। ऐसे में ये सात मुखी रुद्राक्ष आपकी रक्षा करेगा और आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। विश्वास और श्रद्धा बना के रखिएगा, यकीन मानिए आपने वो अनमोल चीज धारण करी है या करेंगे, या जिन लोगों को अभी नहीं मिला है, जिन लोगों के पास पहुंचना है, वो लोग भी, उनकी भी बात कर रहा हूँ, जो लोग करेंगे, ऐसी अनमोल चीज है जो धरती लोक में भी आपको सुकून देगा, आकाश पाताल से भी आने वाली मुसीबतों से बचाएगा और ईश्वर का प्रिय बनाएगा, ये सात मुखी रुद्राक्ष। अब आपके पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो दिए गए नंबर पर फोन करके मंगा लीजिए और इस वीडियो के बाद मैं आपको कुछ और जानकारी दूंगा, ताकि आप उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सात मुखी रुद्राक्ष को जाना ही नहीं है। ये था आपका राशिफल। अब आप चाहते हैं सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में आगे जानना तो वीडियो देखिएगा, और जिन लोगों को मिल गया है उन लोगों से मैं यही कहूंगा, आपके पास विधि भी आ गई होगी, आपके व्हाट्सएप नंबर पे उस विधि को अच्छे से पढ़ें और विधि के अनुसार धारण करें। धारण करते वक्त राहु काल का और अशुभ समय का ध्यान रखिएगा, शुभ समय में धारण करिएगा। सुबह धारण कर लें या शाम को धारण कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नियम पूर्वक धारण करिएगा। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास सात मुखी रुद्राक्ष पहुंच गया है। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास सात मुखी रुद्राक्ष पहले पहुंच गया तो उन्होंने पहन लिया है, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन अशुभ संकेत दे रहा है, लेकिन ये सात मुखी रुद्राक्ष आपकी रक्षा करेगा। जिन्होंने पहना हुआ है उनको भी रक्षा करेगा, जिनके जो आज पहनेंगे उनकी भी रक्षा करेगा। कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को हो सकता है कि सुबह मिले, दोपहर को मिले, तो शाम को पहन लीजिएगा। और जो विधि विधान आपके व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, उसको पढ़िए, समझिए और पहनिए, और पहनते वक्त राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये सात मुखी रुद्राक्ष जो लोग पहन रहे हैं आपके जीवन के कष्ट भोलेनाथ दूर करें और आपको खुशियाँ दें। अब हम बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में और जिनके पास पहुंच गया है, जिन्होंने ले लिया है, वो चाहते हैं इसके बारे में जानकारी लेना तो वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो आप अपने काम करिए। जिन लोगों को अभी तक नहीं मिल प्राप्त हुआ है, उनको जानकारी नहीं थी, जो लेना चाहते हैं, तो वो लोग ये आगे का वीडियो देख लें।
तो चलिए अब मैं कुछ साधन की राशि बारे में आपको बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ये बताने का सिर्फ यही है ताकि अधिक से अधिक लोग जान सकें और अधिक से अधिक लोग लेके फायदा उठा सकें। मेरा फायदा जितना है सो है, यकीन मानिए मेरे फायदे से कहीं ज्यादा फायदा आपका है। तो चलिए जानते हैं सात मुखी रुद्राक्ष हमें क्यों पहनना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष सप्त महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर चलता है। शुक्र ग्रह इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ राशि आपकी है या मिथुन राशि आपकी है या मकर राशि आपकी है, शनि के साढ़े साती के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। कुंडली में किसी भी प्रकार से शनि राहु ग्रह बुरी स्थिति में हो, उनके अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। पैसा मान सम्मान इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी जरूरत है। महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, पैसा मिलता है। काल सर्प दोष जैसे दोषों से मुक्ति मिलती है। जीवन में छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन, आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो दुर्भाग्यवश आपको नहीं मिल रहा है, तो ये सात मुखी रुद्राक्ष उसको दिलाने में आपकी मदद करता है। रिश्तों को मजबूत बनाता है। जीवन में अनेक जो वायरस जैसे महामारी फैली हुई है, तकलीफें हैं, दुर्घटनाएं हैं, उन सब से मुक्ति दिलाता है। जीवन में खुशियां लेकर आता है। परिवार को एक सूत्र के एक एकता में बांधता है। आपके जो तिजोरी है उसको हमेशा भर कर रखता है। आप कहते हैं पैसा बहुत कमाते हैं, टिकता नहीं तो पैसा टिकने लगता है। काबिल हैं लेकिन नौकरी अच्छी नहीं मिलती तो अच्छी नौकरी मिल जाती है। व्यापार बड़े दिनों से कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं मिल रहा है तो लाभ मिलने लगता है। बंद फैक्ट्रियां चलने लगती हैं, बंद व्यवसाय चल उठते हैं, लोगों की तकलीफें दूर हो जाती हैं, लोगों की सेहत सही हो जाती है, लोगों की डिप्रेशन जैसी समस्याओं की समाप्ति करता है ये रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष। खुशियां लेकर आता है। विवाह में विलंब है, जो भी विलंब है, चाहे विवाह में हो, शिक्षा में हो, नौकरी में हो, व्यापार में, उस विलंब को दूर करता है सात मुखी रुद्राक्ष। शनि जैसे राहु जैसे ग्रहों को कंट्रोल करता है ये सात मुखी रुद्राक्ष। शनि की साढ़े साती ढैया से बचाता है सात मुखी रुद्राक्ष। महालक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाता है सात मुखी रुद्राक्ष। जादू टोने भय भूत प्रेत बाधा कष्टों से मिटा से दूरी बनाता है सात मुखी रुद्राक्ष। आपके जीवन में वो हर खुशी लेकर आता है सात मुखी रुद्राक्ष जो आपको चाहिए और जो वर्तमान समय में इंसान आप और मैं हैं। कोई जरूरी नहीं है आप मिथुन या कुंभ राशि या तुला राशि के हैं, आपके ऊपर शनि का प्रभाव है, जो अन्य राशि के लोग भी हैं सबको सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आज रक्षाबंधन वाला दिन है, भाई अपनी बहनों को क्या देते हैं, एक रक्षा की गारंटी देते हैं कि मैं रक्षा करूंगा, ये आप भी जानते हैं। जब रक्षा करने का टाइम आता है तो क्या परिस्थितियां होती हैं। बहनें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं कि आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को सात मुखी रुद्राक्ष गिफ्ट करें, जो आज नहीं, इस रक्षाबंधन नहीं, आगे आने वाले न जाने जितने भी रक्षाबंधन आएंगे जीवन में, सब में आपकी रक्षा करेगा, सब में सौभाग्य की प्राप्ति दिलाएगा और जीवन और मृत्यु दोनों को सफल बना देगा, शिव का प्रिय बना देगा। जो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको देवता नमस्कार करते हैं। जो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसे सात मुखी क्या, कोई सा भी रुद्राक्ष जो धारण करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। सात मुखी रुद्राक्ष वो धारण करता है जिसको ईश्वर धारण कराना चाहता है, वरना इतने साल हो गए आज तक आपने धारण नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी आपका वक्त नहीं आया था, अब वक्त अब आया है तो कर लीजिए, ये अंतिम मौका है। क्योंकि ये धारण करवाने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बताने वाला हूं। वो ईश्वर जिनको धारण करवाएगा उसी में आप में से कुछ लोग, बहुत लोगों ने ले लिया, उनकी किस्मत में था। सोचिए क्या सात मुखी रुद्राक्ष कल तो पैदा हुआ नहीं कि जो पहली बार इस संसार में आया। आपकी उम्र किसी की 15 साल होगी, 20 साल होगी, 25 साल होगी, 40 होगी, 50 होगी, आज तक आपको नहीं पता था, किसी ने बताया नहीं, आपने लिया नहीं, न जाने कितने कितने पैसे खर्च कर दिए उपायों में, लेकिन आज ईश्वर चाहता है कि आप ले। माध्यम मैं हूं, मुझे खुशी है कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। आपकी इच्छा है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कीमत 2500 रुपये है और जिनको मिल चुका है वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं लोगों को कि कैसी क्वालिटी है, क्या मिला उसके साथ, क्या नहीं मिला,
हाँ, ये मैं जरूर कह रहा हूँ कि कोरियर की वजह से, कोरोना की वजह से लोगों को थोड़ा लेट से मिला, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन मिलेगा सबको। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऑर्डर बुक किया उसको ना मिले। ओरिजिनल सात मुखी रुद्राक्ष विद सर्टिफिकेशन के साथ में और विधि विधान के साथ में आपको दिया जाएगा। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब ओरिजिनल, आगे पीछे कुछ नहीं। आप में से जो लोग चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और मौका आज का ही है, उसके बाद भी मिलेगा, लेकिन आज जो लोग लेंगे उनकी पूजा हो जाएगी, जो लोग बुक करा देंगे उनकी पूजा हो जाएगी। बात सात मुखी रुद्राक्ष आप कल लें, परसों लें, नरसों लें, कभी भी ले सकते हैं, लेकिन आज का एक विशेष मुहूर्त है, इस मुहूर्त में आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप लोग दिए गए नंबरों पर 7M लिखें और व्हाट्सएप करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कीमत मैंने दक्षिणा राशि आपको बता दी, 2,500 रुपये, जो चांदी में मड़ा हुआ होगा, धागे में पहनना होगा, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कोरियर से भेजा जाएगा, भारतीय पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। हरिओम, नमस्कार, भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।